नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी से मलेरिया टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोलता है वर्ल्ड मलेरिया डे, तो डिसीज़ के जो भी वर्ल्ड डे है वो आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल डे। तो ये वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तो याद कैसे रखोगे, देखो अप्रैल का कोई भी डे होगा ना तो आपने अप्रैल फुल से याद रख लेना है। तो मलेरिया को बोलना है मच्छर ने हमें अप्रैल फुल बनाया। और ये अल्कोहल जो होता है ना, क्वार्टर होता है ना अल्कोहल, क्वार्टर मतलब क्या, 1/4। तो ये 100 में कितना है, 25। तो 100 में 25 मतलब कितना, 1/4। तो ये हो जाएगा क्वार्टर। तो क्वार्टर अल्कोहल का क्वार्टर लेके मच्छर ने हमें अप्रैल फूल बनाया। तो ये डे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछेगा तो आपने किसी मॉस्किटो का नहीं बोलना है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअल पैरासाइट। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला डिसीज़ है, इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ होता है। तो इसका मॉस्किटो जवाब किसी ने भी नहीं लिखना है, प्रोटोजोअल डिसीज होता है ये। और ये जो मच्छर होता है ना मॉस्किटो, वो इसका वेक्टर होता है, कैरियर होता है। ये प्रोटोजोआ को एक इंसान से दूसरे इंसान तक लेके जाता है बाइट करके। तो ये इसका जो भी वेक्टर है उसका नाम है फीमेल एनोफेलेस या फिर एनोफेलिन मॉस्किटो। ये फीमेल मॉस्किटो होता है जिसका नाम है एनोफेलिन, एनोफिलस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ स्पेसीज है पैरासाइट, इसके प्रोटोजोआ, अलग अलग प्रोटोजोआ के इसके पैरासाइट्स देख लो। एक होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है ना, ये सबसे डेंजरस होता है, मोस्ट डेंजरस प्रोटोजोआ होता है ये। अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा है और इससे डेथ ही हो जाती है नज़दीक नज़दीक। फिर होगा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वोवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम नॉलेसी। तो ये इसके अलग अलग स्पेसीज है ये प्रोटोजोआ के। बस इसमें ये मोस्ट डेंजरस को याद रख लेना, ये फाल्सीपैरम होता है। नेक्स्ट इसकी लाइफ साइकिल देख लो, मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल क्या होती है। इसकी लाइफ साइकिल में दोनों स्टेज होती है, एक सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। सेक्सुअल कहाँ होगी, तो ये फीमेल के अंदर होगी, फीमेल एनोफिलिन मॉस्किटो जो है ना इसके अंदर जब प्रोटोजोआ जाएगा तो उसकी सेक्सुअल साइकिल इसके अंदर होगी, इस मॉस्किटो के अंदर। और दूसरी जो होती है एसेक्सुअल, वो कहाँ होगी, वो ह्यूमैन के अंदर होगी, ठीक है, इंसानों के अंदर। तो ये क्या होता है, इंसान के अंदर ये दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक तो लीवर आएगा और ब्लड आएगा, ठीक है। तो लीवर के अंदर जो साइकिल होता है ना उसको बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल या फिर एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी कि ब्लड के अंदर जाने से पहले की साइकिल, प्री इरिथ्रोसाइटिक या फिर एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और ब्लड में जो होगी उसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। आपको तो पता है ना इरिथ्रोसाइट्स रिलेटेड किससे, ये ब्लड से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहाँ होगी, ब्लड के अंदर, और ये प्री और एक्जो इरिथ्रोसाइटिक होगी लीवर के अंदर, ठीक है। इसको और भी विस्तार से समझते हैं। देखो बोला था सेक्सुअल साइकिल होगी फीमेल मॉस्किटो के अंदर, एसेक्सुअल होगी ह्यूमैन के अंदर। दो टाइप के टिश्यू, लीवर और ब्लड। लीवर में होगा तो एक्जो इरिथ्रोसाइटिक या फिर प्री इरिथ्रोसाइटिक, ब्लड में होगा तो इरिथ्रोसाइटिक। फिर देखो अब जब इसके अंदर जब होते हैं ना मॉस्किटो के अंदर जब उसके प्रोटोजोआ होंगे तो उसे बोलना है स्पोरोजॉइट्स। क्या बोलेंगे, मॉस्किटो के अंदर जो प्रोटोजोआ है उसको बोलेंगे स्पोरोजॉइट्स। ये स्पोरोजॉइट्स जब ये फीमेल मॉस्किटो ह्यूमैन को काट लेगा, बाइट करेगा, तो उसके अंदर ये स्पोरोजॉइट्स चले जाएंगे। और ये स्पोरोजॉइट्स जाके क्या बनाएगा, ये टिश्यू सीजोंट बनाते हैं, टिश्यू सीजोंट। टिश्यू में भी ये लीवर सीजोंट बनाएगा, स्पोरोजॉइट्स लीवर सीजोंट बना देगा। फिर ये लीवर सीजोंट अगर ब्रेक होता है तो इसके बाहर जो आएगा वो होगा मेरोजॉइट्स।
अगर यहाँ पे जो भी स्पोरोजॉइट्स आए वो उसी के अंदर रेस्ट करने लगे तो उसे बोलते हैं हिप्नोजॉइट्स, और वो लीवर सेल के अंदर डेवलप होके अगर लीवर सेल को तोड़ के बाहर आ जाए तो बोलना है मेरोजॉइट्स। फिर ये मेरोजॉइट्स जाएंगे ब्लड के अंदर और बनाएंगे ब्लड सीजोंट, और यहाँ पे ये जो प्रोटोजोअल की स्टेज है वो फीडिंग स्टेज होती है, उनका फीडिंग चलता है प्रोटोजोआ का, उसे बोलते हैं ट्रोपोजॉइट्स। ये ट्रोपोजॉइट जब ब्लड सेल से बाहर आएंगे तो मेरोजॉइट्स कहलाएंगे, और ये मेरोजॉइट्स जब जाते हैं आरबीसी के अंदर, मेरोजॉइट्स जब आरबीसी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक चलेगा जो प्रोसेस, उसे बोलते हैं सीजोगोनी। क्या बोलना है? सीजोगोनी बोलना है। तो ये सीजोगोनी होता है प्रोसेस, इसमें क्या होगा गैमेटोसाइट बनते हैं। यहाँ पे देखो ये सब एसेक्सुअली चल रहा है ना, तो यहाँ पे कोई सेक्सुअल स्टेप नहीं है, तो आरबीसी के अंदर मेरोसाइट जाके गैमेटोसाइट्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो वो गैमेटोसाइट जो बनते हैं उसमें मेल और फीमेल बन जाएंगे, दोनों दोनों बन जाएंगे, तो ये सीजोगोनी होगा, इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी प्रोसेस, इसमें ये गैमेटोसाइट बनते हैं। फिर इस इंसान के ब्लड को जो भी मॉस्किटो है उसे बाइट करेगा, और ये स्पोरो जो भी ये बने यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने ना, तो ये उसके ब्लड के अंदर जाएगा और फिर वो दूसरे इंसान को बाइट करके उसके अंदर भेजे, इस तरह से ये मलेरिया स्प्रेड हो जाएगा थ्रू द वेक्टर फीमेल मॉस्किटो से। फिर यहाँ पे मैं और आपको एक थोड़ा स्टेप बता दूँ, इसके जो भी स्पेसीज है तो इसमें इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो है ना वो किस किस में अब्सेंट होती है और किस किस में प्रेजेंट होती है वो देखो। ये जब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है ना और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये वी वाले जो है इनके अंदर ये लीवर का ये जो वी है ना, तो ये लीवर वाली साइकिल जो है इरिथ्रोसाइटिक या प्री इरिथ्रोसाइटिक या फिर एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। ये वी वाले है ना इनके अंदर ये लीवर वाली साइकिल जो है प्री इरिथ्रोसाइटिक या फिर एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ये प्रेजेंट होती है, और फाल्सीपेरम मलेरी के अंदर ये अब्सेंट होती है दोस्तों। ठीक है, अब मलेरिया पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्लासिफिकेशन पर, ठीक है, उसमें हम सारे ड्रग को डिस्कस करेंगे, फिर उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।